मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि डांडिया इवेंट्स यहाँ पे होते हैं नहीं होते हैं, तो इंटरनेट पे सर्च किया, इंस्टाग्राम पे ढूंढा, पूछा, और फिर वहाँ से मुझे एक लिंक मिला। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, राहुल ठाकुर मुझे मिले इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मेरे लिए एक डांडिया इवेंट के लिए ऑर्गेनाइज़र का नंबर पता करके दिया। तो अभी हम लोग आ गए हैं दिल्ली पीतमपुरा में, गुजरात अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। 30 सालों से मुझे भी नहीं पता था डांडिया होती हैं। तो आज सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे गुजरात की जो ट्रेडिशनल है डांडिया, थोड़ा उसके मज़े लेंगे, साथ में यहाँ के खाने के मज़े लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखो, तो तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ। जे आजा शक्ति माजे। तो मैम थोड़ा बताएंगे, दिल्ली में होने के बाद भी मुझे ज्यादा नहीं पता था यहाँ के बारे में। आई वंडर दैट मींस आपको डांस करना बहुत अच्छा नहीं लगता होगा। नहीं, मैं नॉट टू मच रिलीजियस। नहीं, मैं बिल्कुल भी, मैं रिलीजियस हूँ लेकिन मैं डांस नहीं करना पसंद करता। पर वी विल मेक श्योर आज आप गरबा अच्छी तरह से करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी क्या है कि देखिए, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा जो फोकस करने वाला हूँ, सबसे पहले तो आप लोगों का जो भी फंक्शन यहाँ पे होता है, डांडिया होती है वो, और उससे ज्यादा मैं अपने पेट की पूजा करने वाला हूँ यहाँ पे। कि वो कहते हैं ना, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते। अच्छा। तो इट इज सेम मैनर कि जब तक खाएंगे नहीं तो उसके अलावा तो हम भी गरबा नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा। सो नाउ दिस इज ये नवरात्रि उत्सव मंडल है। हाँ जी। जो कि इतने सारा इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। दिस इज बेसिकली इज अ गरबा एरिया एंड देन फूड कोर्ट इज आउटसाइड। अच्छा। ये अपार्टमेंट गुजरातीज के लिए है और पॉइंट सिर्फ ये है इतना इवेंट करने का कि वी वांट हमारा कल्चर स्प्रेड हो अच्छी तरह से। हाँ जी। बट एक रिलीजियस एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप ये आइडल देख रहे हैं। हाँ जी। ये हम पूरे साल मंदिर में रहते हैं आइडल, बट सिर्फ ये 9 दिन नवरात्रि के 9 दिन के लिए माता जी को हम ऐसे ही बाहर प्लेस करते हैं। लोग ज़रूर इस चीज़ को डांस के उसमें लेते हैं, बट ये एक इतना पावन अवसर है हमारे लिए कि ये गरबा और डांडिया, मतलब शायद कई लोग अभी आप देखेंगे कि हम इतने मगन हो जाते हैं और इट इज़ इतने यंगस्टर्स हैं, उसके बावजूद इज थैंक गॉड, थैंक माता जी की कभी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। मैम अभी खाने की तरफ चल सकते हैं। ओके जी, लेट्स गो। हम खा रहे हैं फाफड़ा, बेसन की चटनी और पपीते का कचुंबर। ये पपीते का कचुंबर है जी। अच्छा। पपीते का कचुंबर है, ये बेसन की चटनी है और ये फाफड़ा। अच्छा। ये गुजराती इसका मेजर टाइम ब्रेकफास्ट कुजीन है। अच्छा। जिसको जलेबी के साथ खाया जाता है। आप जलेबी क्यों नहीं ले रहे उसमें? क्योंकि जलेबी हम लोगों ने जल्दी खा ली तो वो खत्म हो गई। तो थोड़ा सा सबसे पहले तो ये खाने की बात हो गई। आप तो यहीं पे डांडिया खेलने आते हो, कितने टाइम से आप यहाँ पे आ रहे हो? यहीं रहती हूँ। अच्छा, आप यहीं रहते हो। और हम यहाँ पर 9 के 9 दिन बहुत एंजॉय करते हैं। वी रियली फीस्ट एंड वी डांस होल नाइट। अच्छा। एंड द डेकोरेशन इज अमेजिंग एंड दिस नवरात्रि उत्सव मंडल इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड वी डू अ लॉट ऑफ रास गरबा आरती एंड डांडिया। यस। तो फूड में और क्या क्या आप मेरे को रिकमेंड करोगे अभी? यहाँ लाइट ढोकला है, फतेह की कचौड़ी है विच इज ऑसम। कुछ गुजराती बताइए। दाबेली, ओके। वड़ा पाव। और जो यहाँ का देखिए एम्बियंस तो मैं देख सकता हूँ कि आप खुद यहाँ पे बोल रहे हो कि काफी अच्छा है। फूड यहाँ का कैसा आप बोलोगे? आप इतने टाइम से वेरी नाइस। ऑल द टाइम वी हैव न्यू केटरर्स बट दिस टाइम आल्सो दे आर रियली गुड एंड आफ्टर दिस वी विल बी ईटिंग दाबेली एंड वड़ा पाव। सो आई होप यू शुड कम। कैन आई हैव अ बाइट फ्रॉम दिस? ओके। तो इसे कैसे खाते हैं आप थोड़ा बताएंगे? इसमें फोकस इस तरीके से लेके यहाँ पर ऊपर इस तरीके से ऐसे रखते हैं और इसमें से डिप करके इसको ऐसे खाया जाता है। वेरी नाइस। मतलब कुछ नया मेरे लिए खाने के लिए भी है और बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं, ये दो डिशेज हैं जो सिर्फ गुजरात की फेमस डिशेज हैं। ये इसका नाम है खीचू और ये है वाइट ढोकला। मैम इसके ऊपर आपने ये क्या डाल रखा है? ये लहसुन की चटनी डाली हुई है। लहसुन की चटनी है इसके ऊपर और साथ में आपने एक चीज और डाली थी इसके अंदर, जीरा आता है, ऑयल आता है, मूंगफली का ऑयल। तो आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हो अभी? फर्स्ट टाइम। वैसे तो हम दिल्ली में हर साल आते हैं, द्वारका में लगता है, हर साल जहाँ होता है वहाँ चले जाते हैं। तो आप सीधे गुजरात से सिर्फ यही करने आए हो? अच्छा। आप थोड़ा मुझे बताइए कि ये जो खीचू है ये कैसे बनता है? ये इसको उबालते हैं, पानी को उबालते हैं। अच्छा। इसको और उसको आटा डालते हैं, एकदम उबल जाता है पानी तो उसमें आटा डाल देते हैं, चावल का आटा। अच्छा। फिर इसमें चावल का आटा डालता है और उबल के उसमें जीरा बोलते हैं ना जो, हाँ जी हाँ जी, वो डलता है, मिर्ची भी डलती है, लाल और ग्रीन मिर्ची।
तो मैं एक बार पहले इसके एक बाइट ले लेता हूँ और फिर मैं बता दूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये मैं खा रहा हूँ, अभी मैंने इससे पहले ये खाए नहीं है। नहीं है, काफी अच्छा है ये। तो जो आपको इंग्रेडिएंट्स आप सारे के सारे गुजरात से लेके आए हो? घर का ही आता है ये आटा, भी घर का ही होता है, घर के पीस से लाते हैं। अच्छा, और जो ये ढोकला है, हम लोग बात करते हैं इसकी ढोकला की, ये आपने इसके ऊपर आप बता रहे थे मेथी की चटनी डाली है, तो मैं एक बाइट इसकी भी लेता हूँ। ये ले लो। तो मैंने फर्स्ट टाइम इसके साथ खाया है, सच में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ढोकला जो था सच में मेरे मुंह में गया और ख़त्म हो गया, इतना ज़्यादा टेस्टी था और इतना ज़्यादा आराम से वो मेल्ट हो गया। अच्छी लगती है इसके। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ये सच में। तो अभी खाते हैं पूना मिसल और प्यारे लाल की कचौड़ी। ये दोनों मुझे अभी यहाँ पे बता रहे थे कि ये दोनों गुजराती फूड है और भैया अभी बनाने वाले हैं। अरे वाह, ये स्प्राउट है, मोट का स्प्राउट। अच्छा, ये स्प्राउट है। इसमें डलता है भुजिया। भुजिया, ये पूना मिसल है। या देन कर्ड, दही, या देन ऑनियन, थोड़ा सा प्याज, ऊपर देना, ऊपर देना सम गार्लिक, ये गार्लिक की चटनी भी। या धनिया और मिर्च की चटनी, हरे धनिया की चटनी। तो ये क्या चीज़ डाल रहे हो आप? स्वीट चटनी। अच्छा, ये मीठी चटनी डाल रहे हो आप। तो अभी मैं खाऊंगा पूना मिसल, ये बहुत स्वीट है और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ये टाइट चाट भी बोल सकते हैं हम लोग इसे। और जो ये है, ये कचौड़ी है, इसमें क्या क्या डाला है आपने? ये बेसिकली कचौड़ी होती है, इसमें नॉर्मली हम जो भेल खाते हैं घर के, मुरमुरे, भुजिया, बूंदी, अच्छा वो सबको मिक्स करते हैं, उसमें स्वीट चटनी डालते हैं। तो अभी जब हम लोग यहाँ पे आए, मेरे साथ है केतन जी, केतन जी ने ही मुझे इनवाइट किया था और इन्हीं के थ्रू मैं यहाँ पे आया था, लेकिन एक और बंदा था राहुल, राहुल को भी मैं थैंक्स बोलूँगा, उसने केतन जी का नंबर मुझे प्रोवाइड कर। तो केतन जी मुझे बता रहे थे वीडियो एंड करनी है तो पान खा के करना, क्योंकि वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ पे नींद लोगों कब आती है आप ही बताइए। जैसे सुबह उठते हैं गुजरात के अंदर, सबसे ब्रेकफास्ट है वो फाफड़ा जलेबी के बिना पूरा नहीं होता। वैसे ही रात को खाना खाने के बाद पान सबको चाहिए ही चाहिए। तो अब ये वीडियो एंड करते हैं पान खा के। तो आप लोगों को पता है ना क्या बोलना है? हाँ। क्या बोलना है बता दो सबको। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, मून इज फूड।